वहाँ लेबर है तो लेबर को गड़े बीच गार्ड को छोड़ दूंगा, अगर वहाँ लेबर है तो बोल रहे हैं मैं कई को लेबर को भेजूंगा, मेरे रिस्क हमारा खाने का भेजूंगा वहाँ। हम डिसीजन लिए थे, हमारे को कमिश्नर साहब ऑर्डर दिए थे करो बोल के, हम करे स्टार्ट। हाँ। अब स्टार्ट करने के बाद जो है ना, वो लोग जो नहीं कराना चाह रहे उन्होंने पूरा कॉर्पोरेटर से एमएलए से उनसे बात करने के बाद, अब हम कॉर्पोरेटर की बात को तो एमएलए की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। नहीं मैडम वो सही बात है, आप बोल रहे हैं सही है, उन तभी आग दन दन दो हाथ मारे मेरे लेबर को तो मैं क्या करूँ। नहीं भाई पुलिस कंप्लेंट दिए होंगे, लेकिन कॉर्पोरेटर की एमएलए की उनकी भी बात सुनना पड़ता ना जब। आप लोगों से बात करके डिसीजन लेते हैं थे, जब तक उन्होंने रुको बोले मेरे को, इसलिए मैं रुके हूँ। और मेरे को रात में एमएलए भी फोन करे थे, एमएलए मैडम के जो भतीजे है ना आदिल सुलेमान सेठ, तो उन्होंने क्या बोले ठीक है अभी एक दो तीन दिन का ब्रेक करो कॉर्पोरेटर सभा आने के बाद, कॉर्पोरेटर सभा आने के बाद हम उन्होंने सब जने मिलकर डिसीजन लेंगे बोल के बोले। नहीं डिसीजन लेना क्या है अब, उन्होंने जो बोले थे ना। नहीं जी मैडम देखो हम डिसीजन लिए थे, हमारे को कमिश्नर साहब ऑर्डर दिए थे करो बोल के, हम करे स्टार्ट। हाँ। अब स्टार्ट करने के बाद जो है ना, वो लोग जो नहीं कराना चाह रहे उन्होंने पूरा कॉर्पोरेटर से एमएलए से उनसे बात करने के बाद, अब हम कॉर्पोरेटर की बात को तो एमएलए की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या बोल रहे हैं वो जो है ना, वो जो महमूद भाई उन लोग आए हैं, उन्होंने क्या बोल रहे हैं वहाँ लेबर है तो लेबर को गड़े बीच गार्ड को छोड़ दूंगा, अगर वहाँ लेबर है तो बोल रहे हैं मैं कई को लेबर को भेजूंगा, मेरे रिस्क हमारा खाने का भेजूंगा वहाँ। तो इसलिए हमें यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट करी ना, अब मेरे को तीन चार पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, कब आ रही बोलो उन्होंने काम वाले हमें आती बोलकर। तो हाँ मैडम वही तो बोलो ना, आप कॉर्पोरेटर साहब बोलने के बाद एमएलए साहब बोलने के बाद हाँ। हमको थोड़ा रुकना पड़ता है, उन्होंने डिसीजन दिया तक हमको। कौन बोले वो गड़े में गाड़ तुम को कौन बोले वो उन्होंने क्या नाम उनका वो महमूद भाई उन्होंने बोले। हमें वही इंतजार कर रही है, उन्होंने पीएसआई मैडम भी हमारे को अब फोन लगाए थे क्या हुआ आए क्या, मैं बोली वहाँ लोग रुकाने वाले बहुत है, ऐसा करते काम होने तो नहीं देते, हमारे को 15 साल से पीने पानी नहीं है बोलते बोल। मैं जो है ना कमिश्नर साहब को भी अपडेट दिया ये चीज की। हाँ। तो उन्होंने क्या बोले अभी आज एक दिन रुको तुम, मैं सबसे बात करके फाइनल करता हूँ बोल के, शिव कुमार पाटिल बोल के हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कल तो आने वाले है नी मेरे को, अगर करो बोल के बोले ये सब लोग तो करता हूँ मैं। हाँ। मैं चुप मेरे लेबर को भेज को मैं चुप वहाँ झगड़े करते लफड़े करते चुप नहीं था। नहीं झगड़े लफड़े तो कुछ नहीं होते हैं। नहीं मैडम वो सही बात है, आप बोल रहे हैं सही है, हम तो भी आगो दन दन दो हाथ मारे मेरे लेबर को तो मैं क्या करूँ। सुनो अब हम पुलिस का प्रोटेस्ट ले रही ना। नहीं भाई पुलिस कंप्लेंट दिए होंगे, लेकिन कॉर्पोरेटर की एमएलए की उनकी भी बात सुनना पड़ता ना जब, उन्होंने रुको बोलने के बाद रुकना पड़ता हमारे को दो तीन दिन, ये लोग काम करते रहते देखो खाली। हाँ मैडम ठीक है, आप एक काम कीजिए पहले उनसे बात करो, बात करके बाद में मेरे को बोलो शाम तक। किन से बात करो बोलते हैं बोलो? कॉर्पोरेटर साहब से भी बात करो और हमारे आदिल सुलेमान सेठ से बात करो और शिव कुमार पाटिल से बात करो। शिव कुमार पाटिल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना केयूडीएफसी के, उनसे भी बात करो, सबसे बात करके आप मेरे को डिसीजन लेके बोलो, मैं जो है ना लाना नहीं लाना एक फाइनल बोलो आप मेरे को, मैं भेजता हूँ लेबर को। अच्छा ठीक है।